वेलकम बैक टू द ईएलएस न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब विधानसभा के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किसको मिलेगी कितनी सीटें, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लेना है। साथ ही दोस्तों, 117 सीटों में से किस पार्टी को मिलेगी कितनी सीटें, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल जानकारी अपडेट। जी हाँ, इससे पहले आप ईएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या इस पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को नीचे लाल कलर का लाल बटन दिया, उस पर जाकर क्लिक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तो आइए बात करते हैं पंजाब विधानसभा के पहले जिले के बारे में। जी हाँ, पहला जिला है फालजीका। फालजीका में कुल विधानसभा सीटें दी गई है चार, जिनमें से कांग्रेस खाते में दो सीटें और आपके खाते में एक सीट और एसडी खाते में जीरो और बीजेपी खाते में एक सीट और अन्य खाते में जीरो सीट जा सकती है। वही बात करते हैं फिरोजपुर जिले की, तो फिरोजपुर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है चार, जिनमें से कांग्रेस खाते में दो सीटें और आपके खाते में दो और एसडी खाते में जीरो और बीजेपी खाते में भी जीरो और अन्य खाते में जीरो सीट जा सकती है। वही बात करते हैं कपूरथला की, तो कपूरथला में कुल विधानसभा सीटें दी गई है चार, जिसमें से कांग्रेस खाते में दो सीटें और आपके खाते में एक सीट और एसडी खाते में जीरो और बीजेपी खाते में एक सीट और अन्य खाते में जीरो सीट जा सकती है। वही बात करते हैं पंजाब विधानसभा की 12 सीटों के बारे में बात हो चुकी है, जिसमें से कांग्रेस खाते में छह सीटें और आपके खाते में चार सीटें और एसडी खाते में जीरो और बीजेपी खाते में दो सीटें और अन्य खाते में जीरो सीट जा सकती है। वही बात करते हैं अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है लुधियाना। लुधियाना में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 14, जिसमें से कांग्रेस खाते में आठ सीटें हैं और आपके खाते में चार सीटें और एसडी खाते में एक सीट और बीजेपी खाते में एक और अन्य खाते में जीरो सीट जा सकती है। वही दोस्तों बात करते हैं मानसा जिले की तीन विधानसभा सीटों के बारे में, तो कांग्रेस खाते में दो सीटें और आपके खाते में एक सीट और एसडी खाते में जीरो और बीजेपी खाते में भी जीरो और अन्य खाते में जीरो सीट जा सकती है। वही दोस्तों बात की जाए पटियाला जिले की, तो पटियाला में कुल विधानसभा सीट दी गई है आठ, जिसमें से कांग्रेस खाते में पांच सीटें और आपके खाते में दो सीटें और एसडी खाते में एक सीट और बीजेपी खाते में जीरो और अन्य खाते में जीरो सीट जा सकती है। मेरे दोस्तों पंजाब विधानसभा की हमने कुल 37 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है कांग्रेस खाते में 21 सीटें और आपके खाते में 11 सीटें और एसडी खाते में दो सीट और बीजेपी खाते में तीन सीटें और अन्य खाते में जीरो सीट जा सकती है। वही बात की जाए पंजाब के अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है रूपनगर। रूपनगर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है तीन, जिसमें से कांग्रेस खाते में दो सीटें और आपके खाते में एक सीट और एसडी खाते में जीरो और बीजेपी खाते में भी जीरो और अन्य खाते में जीरो सीट जा सकती है। वही बात करते हैं संगरूर जिले की, तो संगरूर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है आठ, जिसमें से कांग्रेस खाते में तीन सीटें और आपके खाते में दो सीटें और एसडी खाते में एक सीट और बीजेपी खाते में भी एक और कांग्रेस अन्य खाते में भी एक सीट जा सकती है। वही दोस्तों बात करते हैं एसएस नगरी की, तो एसएस नगरी में कुल विधानसभा सीटें दी गई है तीन, जिसमें से कांग्रेस खाते में एक सीट और आपके खाते में भी एक और एसडी खाते में जीरो और बीजेपी खाते में एक सीट और अन्य खाते में जीरो सीट जा सकती है। पर दोस्तों पंजाब विधानसभा की हमने कुल 51 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर। कांग्रेस खाते में 27 सीटें और आपके खाते में 15 सीटें और एसडी खाते में तीन सीटें और बीजेपी खाते में पांच सीटें और अन्य खाते में एक सीट जा सकती है। वही बात की जाए पंजाब के अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है तरनतारन। तरनतारन में कुल विधानसभा सीटें दी गई है चार, जिसमें से कांग्रेस खाते में एक सीट और आपके खाते में भी एक और एसडी खाते में एक और बीजेपी खाते में भी एक और अन्य खाते में जीरो सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों पंजाब के अगले जिले की बात की जाए, तो अगला जिला है बरनाला। बरनाला में कुल विधानसभा सीट दी गई है दो, जिसमें से कांग्रेस खाते में एक सीट और आपके खाते में जीरो और एसडी खाते में भी एक सीट और बीजेपी खाते में जीरो और अन्य खाते में जीरो सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात की जाए बठिंडा की छह विधानसभा सीटों के बारे में, तो कांग्रेस खाते में चार सीटें और आपके खाते में एक सीट और एसडी खाते में भी एक और बीजेपी खाते में जीरो और कांग्रेस खाते में भी जीरो सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए, तो अगला जिला है साथ ही बात करते हैं पंजाब की 63 सीटों में से ओपिनियन पोल की, तो कांग्रेस खाते में 33 सीटें और आपके खाते में 17 और एसडी खाते में 6 सीटें और बीजेपी खाते में 6 और अन्य खाते में भी एक सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात की जाए अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है फरीदकोट। फरीदकोट में कुल विधानसभा सीटें दी गई है तीन, जिसमें से कांग्रेस खाते में एक सीट और आपके खाते में एक और एसडी खाते में भी एक और बीजेपी खाते में जीरो और अन्य खाते में जीरो सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों बात की जाए फतेहगढ़ साहब की, तो इनमें है कुल विधानसभा सीटें हैं तीन, जिसमें से कांग्रेस खाते में दो सीटें और बीजेपी खाते में एक सीट और एसडी खाते में जीरो और बीजेपी खाते में भी जीरो और अन्य खाते में जीरो सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं नवाब शहर की, नवाब शहर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है तीन, जिसमें से कांग्रेस के खाते में दो सीटें और आपके खाते में एक सीट और एसडी खाते में जीरो और बीजेपी खाते में जीरो और अन्य खाते में जीरो सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं पंजाब की कुल 72 सीटों के बारे में, तो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है कांग्रेस खाते में 38 सीटें और आपके खाते में 20 और एसडी खाते में 7 सीटें और बीजेपी खाते में 6 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों पंजाब के अगले जिले के बारे में बात की जाए, तो अगला जिला है पठानकोट। पठानकोट में कुल विधानसभा सीटें दी गई है तीन, जिसमें से कांग्रेस खाते में दो सीटें और आपके खाते में एक सीट और एसडी खाते में जीरो और बीजेपी खाते में भी जीरो और अन्य खाते में जीरो सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों बात की जाए मोगा के बारे में, तो मोगा में कुल लोकसभा सीटें दी गई है चार, जिसमें से कांग्रेस के खाते में तीन सीटें और आपके खाते में एक सीट और एसडी खाते में जीरो और बीजेपी खाते में भी जीरो और अन्य खाते में भी जीरो सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों गुरदासपुर की कुल बात की जाए सात सीटों के बारे में, तो सात सीटों में से कांग्रेस के खाते में तीन सीटें और आपके खाते में चार सीटें और एसडी खाते में जीरो और बीजेपी खाते में जीरो और अन्य खाते में जीरो सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों पंजाब की हमने बात कर ली है कुल छह सीटों के
अक्टूबर में तो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, कांग्रेस खाते में 46 सीटें और आपके खाते में 26 और एसडी खाते में 7 सीटें और बीजेपी खाते में 6 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों पंजाब के अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अगला जिला है होशियारपुर। होशियारपुर में कुल विधानसभा सीट दी गई है 7, जिनमें कांग्रेस खाते में 6 सीटें और आपके खाते में 1 सीट और एसडी खाते में 0 और बीजेपी खाते में भी 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं जालंधर की। कुल 9 विधानसभा सीटों के बारे में तो कांग्रेस खाते में 3 सीटें और आपके खाते में भी 3 और एसडी खाते में 2 सीटें और बीजेपी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं अमृतसर की। 11 विधानसभा सीटों के बारे में तो कांग्रेस खाते में 6 सीटें और आपके खाते में 3 सीटें और एसडी खाते में 3 सीटें और बीजेपी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों पंजाब की कुल मिलाकर हमने बात कर ली है 113 सीटों के बारे में तो कांग्रेस खाते में 61 सीटें और आपके खाते में 33 सीटें और एसडी खाते में 10 सीटें और बीजेपी खाते में 8 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं अब बात की जाए अगले जिले के बारे में तो अगला जिला है अमृतसर। अमृतसर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 4, जिनमें से कांग्रेस खाते में 3 सीटें और आपके खाते में 1 सीट और एसडी खाते में 0 और बीजेपी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। दोस्तों पंजाब विधानसभा की हमने कुल 117 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहे हैं कांग्रेस खाते में 64 सीटें और आपके खाते में 34 और एसडी खाते में 10 सीटें और बीजेपी खाते में 8 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों हमने बात कर ली है पंजाब विधानसभा की कुल मिलाकर 117 सीटों के बारे में तो आपके सामने ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ चुका है। वहीं पर दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। तब तक के लिए थैंक यू, टिकट गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान।